राम नवमी आने वाली है, ऐसे में लोगों के आकर्षण का केंद्र इस समय अयोध्या नगरी है। वैसे तो 22 जनवरी से ही रामलला के दर्शनों के लिए भक्त यहां बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन अब राम नवमी का अवसर है, ऐसे में श्रद्धालुओं से पूरा अयोध्या पटा हुआ है। रामनवमी से पहले हजारों भक्त भगवान राम की पूजा करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु सरयू नदी में पवित्र स्नान करते नजर आए। रामनवमी भगवान राम के जन्म के उपलक्ष में वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक वार्षिक हिंदू त्योहार है। ये वसंत उत्सव के समापन का प्रतीक है, जिसे वसंत नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों की भीड़ को संभालने के लिए अयोध्या में पुलिस प्रशासन भी तैयार है। हम लोग चूंकि इसके पहले भी जो है त्योहार लोग करा चुके हैं, और अभी जो है पिछला जो जनवरी से लेके और तमाम पिछले गत माह तक जो है आस्था स्पेशल और सारी ट्रेनों का जो है पूरे देश भर से लोगों का आना जाना बना रहा। हमारी सेट ड्रिल है, हमारे पॉइंट, हमारे सब जो है ड्यूटी पॉइंट सब पहले से जो है निर्धारित हैं, और स्टेशन भी काफी बड़ा हो गया है, तो हमारी तैयारी पूरी है। विशेष हम अपनी जो है अतिरिक्त फोर्स हमारे पास हम मांग कर लिए हैं, और ड्यूटी पॉइंट हमारे निश्चित है, और लाखों की भीड़ हम लोगों ने इसके पहले जो है अभी जब मंदिर का जो है नवीन उद्घाटन हुआ उसमें कर चुके हैं, और रामनवमी देवी के लिए भी हम लोग तैयार हैं पूरी तरह। वहीं राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा कि इस साल भगवान राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस वर्ष की भगवान श्री राम की जो जन्मोत्सव मनाया जाएगा बड़े ही भव्य दिव्य रूप से मनाया जाएगा, क्योंकि इस वर्ष भगवान श्री राम लला अपने नए भवन में स्थापित हो गए हैं, और इसलिए जिस प्रकार से भक्तों का आकर्षण है, भक्तों के दर्शन के लिए इस प्रकार से भीड़ लग रही है, उसी प्रकार से उस दिन का दर्शन रामनवमी का ऐसे रूप में दिखाई दे जिससे जाने कि नया रूप ले लिए हैं भगवान राम और नए रूप में दिखाई दे। वैज्ञानिकों का ही है कि जिस दिन रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा उस दिन भगवान सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारे रामलला के लीलार से प्रकाशित हो, ऐसा विज्ञानी लोग शोध कर रहे हैं कि जैसे सूर्य का क्यों सूर्यवंशी हैं, सूर्य का जो प्रकाश है भगवान श्री राम के लीलार से जैसे सूर्य का उदय हो रहा हो ऐसा दृश्य दिखाई देगा, जो अपने आप में अद्भुत होगा और ये नया होगा, और ऐसा कभी या किसी भी मंदिर में ऐसा होता नहीं। यदि इसमें सफलता मिलती है तो यह अब की रामनवमी एक प्रकार से अद्भुत विलक्षण होगी। बता दें कि इस साल 17 अप्रैल को रामनवमी देश भर में मनाई जाएगी।